काफी अधिक लाभ है। इतना अधिक आप किसी भी कारोबार में पैसे नहीं कमा सकते हो। जब से सघन बागवानी शुरू की है, ड्रिप इरिगेशन किया है, तब से वार्षिक जो इनकम आ रही है वो 60-70 लाख रुपए आ रही है। सेब यूं तो पूरे भारत में खाया जाने वाला फल है, लेकिन देश में महज 3 राज्य ही ऐसे हैं जहां देश भर का 90% से ज्यादा सेब पैदा होता है। जम्मू कश्मीर की इसमें हिस्सेदारी 70% है, फिर आता है हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड। हम और आप इसे इन राज्यों के लिए प्रकृति का वरदान कह सकते हैं, लेकिन प्रकृति वरदान यूं ही नहीं देती। वरदान के साथ ढेरों शर्तें और मुश्किलें भी आती हैं, और इन मुश्किलों से पार पाना केवल तकनीक के बूते ही संभव है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से 40 किलोमीटर दूर एक गांव करियाल में रह रहे अजय ठाकुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम अजय ठाकुर है, मैं एक बागवान हूँ। तो ये जो बागवानी है या कृषि है, ये हम अपने दादाजी के समय से करते आ रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो लगातार सेब उगा रही है। पहले तो हम लोग इसी ट्रेडिशनल रॉयल पे काम कर रहे थे। उस समय पे क्लाइमेट कंडीशन भी काफ़ी अलग थी यहाँ की। पुराने समय में तो यहाँ पे नेचुरल जो पानी के सोर्सेज थे उसी से ही पानी आया करता था, नहरों के द्वारा। तो जैसे जैसे समय बदला है, मौसम भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है मौसम में, तो बारिशें कम हुई हैं तो नेचुरल सोर्सेज भी काफ़ी कम हुए हैं। नालों में भी पानी बहुत कम रह गया है। तो जैसे गर्मी आती थी तो वो सारे जो नेचुरल सोर्सेज थे सूख जाते थे, तो बागवानी के लिए काफ़ी मुश्किलें आती थी सिंचाई करने में। जो हम पहले बागवानी करते थे, ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से नहीं करते थे। हाँ, ये आवश्यक था कि नेचुरल फार्मिंग हम लोग पहले काफ़ी ज़्यादा किया करते थे। तो जब हम लोग पहले सेब उगाते थे तो काफ़ी कम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के समय में मौसम के बदलने के कारण और काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का यूज करने से, DAP, यूरिया इत्यादि का इस्तेमाल करने से, जो हमारी ज़मीनें थी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह पाई है। अभी काफ़ी बंजर हो गई है और जो पैदावार थी वो भी काफ़ी ज़्यादा घट गई थी। लेकिन समय के साथ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल आए दिन बाहर के देशों से भी काफ़ी ज़्यादा आयात सेब हो रहा है, और क्वालिटी में भी वो सेब हमारे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हमारे को लगा कि भाई हमें कुछ दूसरी खेती भी करनी चाहिए। इस वक्त जब क्लाइमेट चेंज और उपजाऊ जमीनों में देश के हर हिस्से में उत्पादन पर भयंकर प्रभाव डाला है, अजय ने इन बदली परिस्थितियों को कभी भी अपने राह की बाधा नहीं बनने दिया। अजय ने हाई डेंसिटी फार्मिंग का रास्ता चुना। उन्होंने सेब की कई किस्मों पर नए सिरे से काम शुरू कर दिया ताकि वो विदेश की सेब वैरायटी के मुकाबले खड़े हो सकें। तो हमने कुछ बाहर से इंपोर्ट किया है रूटस्टॉक, उस पर भी सघन खेती कर रहे हैं, हाई डेंसिटी पे काम कर रहे हैं। कमर्शियली जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं 13 से 14 किस्में, तो अब रूटस्टॉक पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ड्वार्फ प्लांट्स है, छोटे प्लांट्स है, इनकी जो देख रेख है वो काफ़ी आसान है करने में, और उत्पाद भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इससे निकल रहा है। विश्व स्तर पे पूरी दुनिया में अभी M9 वर्ल्ड वाइड खेती की जा रही है M9 की। तो ये एक ड्वार्फ रूट स्टॉक है और ये सघन खेती है। लगभग एक बीघे में 300 से 400 प्लांट अपना लग जाता है, जिसमें वेराइटियाँ Z1 डिलीशियस में, T-Rex गालाज में, इस तरह के वैरायटीज है। जैसे डिलीशियस में किंग रॉट है, टीरेक्स है, इस तरह पे काम करिए। देखिए, हमने पहले इटली से इंपोर्ट करवाए प्लांट्स, उसमें वो रूट स्टॉक M9 पे थे, T337 पे। तो उस पर हम लोगों ने किंग रॉट, Z1, ये डिलीशियस की 2 वैरायटियाँ इंपोर्ट करवाई थी, और गालाज में मेमा गाला 16316, डार्क बैरन गाला, स्नीको गाला और टीरेक्स गाला, ये हम लोगों ने इंपोर्ट करवाया। ये सारा रूट स्टॉक हमने इटली से इंपोर्ट किया था, और अभी कुछ एक प्लांट्स और रूट स्टॉक हमने हॉलैंड से इंपोर्ट किए हैं, जो कि जिनीवा रूट स्टॉक पे है। ये अभी तक का शायद काफ़ी लेटेस्ट रूट स्टॉक भी है। तो अब इस पर हम लोग नया काम शुरू कर रहे हैं। हमारे पास जो सीडलिंग में ऑर्चर्ड है उसमें
1200 प्लांट्स रहेंगे, तो ये काफ़ी बड़े विगर है 10 प्लांट्स का, तो काफ़ी बड़े, ये लगभग 10 बीघे ज़मीन में होगी। और इसके साथ साथ में रूट स्टॉक पे जो हम लोग काम कर रहे हैं वो भी 7-8 बीघे में काम कर रहे हैं। लगभग 1200-1300 प्लांट M9337 का हमारे पास अवेलेबल है अभी। जैसे ही ये हमारा सघन बागवानी पर यानी कि लोग जब आए तो उसमें जो सबसे पहली जो ज़रूरत थी वो थी इसके साथ ड्रिप इरिगेशन की, क्योंकि ड्रिप के बगैर एक्चुअली क्या है कि इनकी जो रूट्स है वो ज़्यादा गहरी नहीं है, ये हेरी रूट्स होती है और ये ऊपर ऊपर ही 1-2 फुट के आसपास ही रहती है, तो इनका ड्राइनेस बड़ी जल्दी हो जाता है और आपको इसको ड्रिप कंटिन्यू देना पड़ता है समय के साथ साथ। तो जैन इरिगेशन ने एक इसमें मेजर रोल प्ले किया। जैन इरिगेशन का जो ड्रिप का सिस्टम भी है, जो क्वालिटी वाइज भी है, वो भी बहुत अच्छा है, यानी कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमने गांव-गांव पहुंचाया है जैन इरिगेशन का। तो इसके साथ इनका आमदनी भी बढ़ी है 2 से 3 गुना और 4 गुना तक, यानी कि हमने जो देखा है वो लोगों ने इसमें पाया है। और यानी कि अगर हम बात करें इसकी, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट गांव भी हमारा इसी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पाया जाता है, जो यहीं साथ में ही है, और उसमें हमने बहुत ज़्यादा ड्रिप का बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने उस चीज़ को समझा है और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है। तो अब क्या है कि जो आपका फर्टिकेशन भी है, यानी कि खाद भी अगर आपने देनी है या कुछ टॉनिक्स देने हैं, तो वो भी ड्रिप के थ्रू ही चलता है। तो उसमें एक मेजर रोल जो है वो आपको ड्रिप बहुत ज़्यादा आवश्यक एक चीज़ है अगर आप सघन बागवानी पर आते हैं। लेकिन अजय की मुश्किलें इतनी ही नहीं थी। जिस बर्फबारी को देखने और उसमें खुद को सराबोर करने मैदानी इलाकों के लोग शिमला जाया करते हैं, वही बर्फबारी एक बार फिर उनके लिए सवाल बनी। सवाल ये कि ओलों से फसलों को कैसे बचाया जाए। इसका जवाब था एंटी हिल नेट। उन्होंने इसके जरिए अपनी इस मुश्किल से भी पार पा लिया। ये एंटी हिल नेट है, इसका बहुत ज्यादा लंबा इतिहास तो नहीं है। यहाँ पे 15-16 साल पहले लोगों ने इस्तेमाल करनी शुरू की। यहाँ पे ओला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिरता है, फलों और पौधों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था और जो अपना उत्पाद था वो ना के बराबर ही हो पाता था जिस साल अधिक बजरी ओलावृष्टि होती थी। यहाँ काफ़ी किसानों ने बाहर के देशों में भी विजिट किए, तो वहाँ पे काफ़ी पहले से एंटी हिल नेट का प्रकरण शायद चलता आ रहा होगा। तो यहाँ भी लोगों ने पहल तो बहुत पहले कर दी थी, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले मेरे पिताजी ने खुद हेलनेट लगाए थे, लेकिन उस समय पे इतना अधिक मालूम नहीं था कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। 20 हेलनेट लगाने के हमारे को बहुत सारे बेनिफिट मिले, जिसमें हमारा फ्रूट है काफ़ी हद तक अब अच्छी क्वालिटी में निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। जैसे इंसेक्ट वगैरह का अटैक है, वो एंटी हेलनेट के नीचे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो हमारी लेबर कॉस्ट है इसको लगाने में है, इसके बांस वगैरह जो इसका इंटीरियर है, दूसरी चीज़ें उन पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आ रही है। तो लेबर कॉस्ट और ये सब चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन फ्रूट क्वालिटी पे काफ़ी असर आया है इसका। जैसे ही हमारा ग्रीन टिप स्टार्ट हो जाता है, यानी सेब में फुटाव शुरू हो जाता है, उस समय पर हम लोग इनको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं और हार्वेस्टिंग से 15 से 20 दिन पहले इसको निकाल देते हैं, क्योंकि जो ये हमारे मार्च अप्रैल मई जून के महीने होते हैं इसमें ज़्यादातर ओलावृष्टि होती है यहाँ पे इन एरियाज में। लेआउट करके यानी वैज्ञानिक तरीके से और चढ़ लगा हो तो लगभग एक बीघे में 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा एंटी हेलनेट का आता है। खेती की वो ज़रूरत जिससे किसानों का तबका आज भी जूझ रहा है वो है सिंचाई। वो कहते हैं कि जब प्रकृति ने साथ छोड़ा तो उन्हें भी पुराने तरीके को छोड़कर सिंचाई के लिए नया रास्ता चुनना पड़ा। देखिए उस समय पे रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, तो इससे सिंचाई वगैरह हमारी जो पानी था, पहले हम लोग सही तरीके से सिंचाई नहीं कर पाते थे, कुछ पानी पीछे सोर्सेज में गिर जाता था, कुछ आगे जहाँ हमने कच्चे पानी के लिए टैंक वगैरह बना रखे थे वहाँ गिर जाता था। तो अभी हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पे काम किया, जिसमें सरकार ने भी काफ़ी योगदान किया है। उसके बाद हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन का काम शुरू किया। अब अगर बारिशें कम भी हो रही है तो हम लोग अपनी फसलों को सिंचाई कर सके, तो इसमें काफ़ी जो अहम रोल हमारा रहा है वो ड्रिप इरिगेशन का ही रहा है, जो मैंने 3 साल पहले इंस्टॉल किया था जैन इरिगेशन से, जिसमें हमारा
जो मेरा मानना है कि हम लोगों ने जो पानी था वो हमारा लगभग रेशो में आधा आ गया। सिंचाई के लिए हमें आधे पानी की आवश्यकता हुई और समय समय पर जब भी हम लोगों को फर्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम ड्रिप के थ्रू ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो अब काफ़ी मैनेज कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को लाभ मिल रहा है इन चीज़ों। आज अजय अपने इलाके के सफलतम किसानों में से एक हैं। उनका कहना है कि सेब के एक पौधे से वो 2000 से 2500 रुपए कमा रहे हैं और साल में उनकी आय 60 से 70 लाख तक हो जाती है। कुछ सालों से जब हम पहले बागवानी कर रहे थे तो हमारे इसमें खर्चे इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। हर साल कीटनाशकों के फंजीसाइड्स के रेट हर साल ऊपर बढ़ रहे, तो हमारी जो कॉस्टिंग थी वो काफ़ी ऊपर जा रही थी और ये कहीं ना कहीं हर साल फसल ना होने पे बागवानों किसानों को नुकसान ही हो रहा था। इनकम तो पहले तो हमारी काफ़ी कम थी, लेकिन जब से हम लोगों ने ये बाहर के प्लांट्स लगाना शुरू किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छा अब इनकम होने लगी। आज के समय में अब हम लोगों ने जब से सघन बागवानी शुरू की है और एंटी हिल नेट लगाए हैं, ड्रिप इरीगेशन किया है, तब से जो हमारा वार्षिक जो इनकम आ रही है वो लगभग 60-70 लाख रुपए आ रही है, जिसमें 15-20 लाख रुपए हमारा खर्चा भी आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी अधिक लाभ है। इतना अधिक आप किसी भी कारोबार में पैसे नहीं कमा सकते हो। अगर आप बात करेंगे मेरे ऑर्चर्ड में जो अभी प्लांटेशन हुई है तो ये लगभग M9 हम लोगों ने 3 साल पहले इम्पोर्ट करवाया था। एक बीघे में 300 से 400 प्लांट है, ये लगभग अपना जब प्लांट मेच्योर हो जाता है तो 20 से 25 kg फ्रूट ये देता है। तो आप हिसाब लगा ले, 200 से 300 रुपये प्रति किलो बिकता है, तो लगभग 6-7 लाख रुपये पर बीघा अभी लोगों की इनकम आ रही है ये सघन खेती करने से। इस तरह ग्रेजुएट अजय पुश्तैनी खेती करके गांव का जीवन जीते हुए बेहद खुश हैं। मेरे परिवार में मेरे माता जी है, पिता जी है और मेरी धर्मपत्नी है और 2 बच्चे हैं मेरे। मैंने ग्रेजुएशन डिग्री ली है और हमारा पूरा परिवार शुरू से ही पुश्तैनी बागवानी और खेती किसानी कर रहे हैं, तो वही हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे दादाजी भी बागवानी करते थे, मेरे पिताजी ने भी बागवानी ही की है और अब मैं भी अपना पढ़ाई करने के बाद बागवानी में हूँ। तकनीक से तरक्की में उन किसानों की कहानियाँ हैं जिन्होंने खेती में कुछ नया किया है, जिन्होंने तकनीक का इस्तेमाल कर खेती को फायदे का बिजनेस बनाया है। देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।